फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ मशरूम का कबाब। तो मशरूम का कबाब बनाने के लिए मैंने मशरूम ले लिया है और देखिए मशरूम को अच्छे से धो के एकदम निचोड़ लिया है पानी, क्योंकि इसमें पानी रहने से ना फिर क्या होता है कि कबाब में जो ना पानी पानी जैसा हो जाता है और कबाब को होल्ड करने में प्रॉब्लम होता है, मतलब शेप बनाने में। और यहाँ पर जो जो चीज़ लिया मैंने वो बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है रोस्टेड बेसन, मतलब तेल बिना तेल के ही खाली कढ़ाई में बेसन को मैंने ऐसे ही रोस्ट कर लिया। और यहाँ है रोस्टेड क्यूमिन पाउडर और यहाँ है अमचूर। यहाँ पर चीज़ लिया है मैंने ग्रेट करके, चीज़ तो मैं ऐड करने वाली हूँ क्योंकि ये तो एकदम यामी टेस्ट देता है कोई भी चीज़ों को। दो कबाब में जो है ना चीज़ तो ट्रेडिशनली यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन मैं तो ऐड करने वाली हूँ। तो और यहाँ पर एक छोटा सा आलू बॉयल कर लिया है मैंने। अब सबसे पहले मैं इसको एक ग्रीन चिली भी लिया है और मशरूम और ग्रीन चिली को ग्राइंडर में एक राउंड जस्ट दे लेंगे। जैसे बीच बीच में ऑफ करके दो तीन राउंड दे दिया मैंने, एक राउंड देके थोड़ा सा ऑफ करके फिर अब मैं इसको इस बॉल में लेने वाली हूँ। इस बॉल में हूँ ये बॉयल पोटैटो, इसको और थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ। ओके, अब इसमें ऐड करने वाली हूँ ये मशरूम का। चलिए अब इसमें सारा चीज ऐड कर देती हूँ, ये चीज, अमचूर, ये रोस्टेड जीरा पाउडर और टर्मरिक, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर, इसमें गरम मसाला दिस मच, इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर जस्ट पिंच, अब बेसन, यस नाइसली होल हो जा रहा है। अब मैं इसको शेप देने वाली हूँ कि अब मैं जो कबाब की शेप में करने वाली हूँ मिक्सचर को। और ये ब्रेड क्रम्स में थोड़ा सा टैप करके साइड में रखने वाली हूँ। चलिए नेक्स्ट कर लेती हूँ। ओके, चलिए ये हो गया है। चलिए अब गैस में चलते हैं। लो टू मीडियम हीट में ये पक जाएगा, आराम से पकाना है विद पेशेंस। ओके, लेट्स सी। ओके, ये अच्छे से हो चुका है, दोनों साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। मैं स्विच ऑफ कर रही हूँ।